अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं मुकद्दस अरसलान चौधरी अपने चैनल माई ओन वे में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारा फ़ोटोशॉप बेसिक ट्यूटोरियल का दूसरा दिन है। आज हम फ़ोटोशॉप से रिगार्डिंग मज़ीद कुछ बेसिक्स के बारे में सीखेंगे अपने इस ट्यूटोरियल में। उससे पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के बिल्कुल साथ एक घंटी आपको दिखाई दे रही होगी, उस बेल को, उस घंटी को इनेबल कर लें ताकि आगे आने वाली मज़ीद वीडियो से आप लोग बाहबर हो सकें और आप लोग सीखते रहें हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। फोटोशॉप को अपने पास ओपन कर लेते हैं। Adobe Photoshop CS6 Extended वर्जन हम इस्तेमाल करें। ये चूंकि एक हैवी सॉफ्टवेयर है इसलिए इसको ओपन होने में थोड़ा वक्त ये लेता है। ये हमारे पास एक इंटरफेस ओपन हो गया है। सारी सेटिंग वही है जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी, उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। नहीं याद होगा तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे प्रीवियस लेक्चर का लिंक मौजूद है। आप ने अगर ये लिंक पहले देख रहे हैं और हमने प्रीवियस लेक्चर हमारा नहीं देखा तो आप उस लिंक को फॉलो करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने पास न्यू फाइल ले लेते हैं। न्यू फाइल के लिए मैंने आपको बताया था, ये हम मेन्यू बार में ये फाइल पर जाएंगे और हमारे पास फर्स्ट पे न्यू का ऑप्शन आ रहा है। न्यू ऑप्शन के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शॉर्टकट की भी इसकी मौजूद है, कंट्रोल एम, जो कि अमूमन हर सॉफ्टवेयर में कोई नई फाइल लेने के लिए अमूमन यही शॉर्टकट की यूज़ होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम न्यू फाइल को ओपन कर लेते हैं। चले मैं यहाँ पे शॉर्टकट की अप्लाई करती हूँ, कंट्रोल एन मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ और यहाँ पे हमारे पास न्यू फाइल के लिए विंडो अपीयर हो गई है। यहाँ से हम डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ ले लेते हैं, चूँकि अभी हमने बेसिक्स कर रहे हैं तो अभी साइज़ के तरफ हमने नहीं पढ़ना। साइज़ कुछ भी रहने देते हैं, इसको जस्ट पिक्सल्स में कर लेते हैं और आरजीबी कलर ही यहाँ पे रहने देते हैं, क्योंकि हमने इस फाइल की ऊपर अभी कोई प्रिंटिंग वगैरह का काम नहीं करना, और तो आरजीबी कलर ही यहाँ पे रहने देंगे। तो इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फाइल आ गई। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने जब भी फ़ोटोशॉप पे काम करना है तो आप कोई ब्लैंक फाइल ही लें और उसके ऊपर अपने ऑब्जेक्ट्स वगैरह को लाएँ और एडिट करें। आप के पास अगर पहले से कोई इमेज मौजूद है, आप उसको एडिट करना चाहते हो, तो आप उसको भी अपने पास ओपन कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं हम अपने पास मौजूद पहले से कोई सी इमेज को यहाँ पर कैसे ओपन कर सकते हैं। तो हम दोबारा से फाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फाइल ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर देखें, ओपन के लिए हमारे पास कंट्रोल ओ की शॉर्टकट की मौजूद है। हम कंट्रोल ओ करते हैं और कंट्रोल ओ करने के बाद यहाँ देखेंगे हमारे पास डेस्कटॉप पर एक अलग से फोल्डर पड़ा हुआ है बैकग्राउंड इमेज़ का, और यहाँ से हम कोई भी इमेज ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मैं ये इमेज को ओपन कर लेती हूँ अपने पास, ये देखें। अब मैं कोई और इमेज लाना चाहती हूँ, मैं कोई और इमेज पर क्लिक कर लेती हूँ, वो इमेज हमारे पास आ जाएगी, ये देख सकते हैं आप। अगर आप एक से ज़्यादा इमेजेस अपने पास फोटोशॉप में लाना चाहते हैं आप वो भी ला सकते हैं। आप ओपन पर क्लिक करें, फाइल मेन्यू में जाके ओपन पर क्लिक करें, या फिर सिंपली आप कंट्रोल ओ प्रेस करें, शॉर्टकट की जो सी है ओपन के लिए, आप उसे अप्लाई करें। फिर आप देखेंगे यहाँ पे, अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी फाइल्स को यहाँ से चूज़ कर लेती हूँ। ये मुझे आठ फाइल्स जो सी हैं, आठ इमेजेस, ये मुझे आठ की आठ चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इनके ऊपर ओपन पे क्लिक करूँगी। अब ये देखें, ये मेरे पास ओपन हो चुकी हैं। अब एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि ये इमेजेस जैसे मैंने एक से ज़्यादा ओपन किए हैं, ये डिफरेंट टैब्स की फॉर्म में यहाँ पर मेरे पास शो हो रही हैं। जब मैं इस टैब पे क्लिक करूँगी तो ये इमेज आ जाएगी, जब मैं इस टैब पे क्लिक कर रही हूँ तो ये वाली इमेज आ जाती है, इस टैब पे क्लिक कर रही हूँ तो ये वाली इमेज आ जाती है। ठीक हो गया। तो आप इन टैब्स को, अगर आप में से इसमें से कोई इमेज नहीं आपको चाहिए, आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने चूँकि ज़्यादा अगर टैब्स खोले हैं तो एक एक क्लोज़ करने के बजाय आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप फाइल मेन्यू में जाएँ। फाइल मेन्यू में जाने के बाद आप यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं क्लोज ऑल, और इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की भी मौजूद है ऑल्ट कंट्रोल एंड डब्ल्यू। आप ऑल्ट कंट्रोल एंड डब्ल्यू को भी अप्लाई करेंगे तो आपकी सारी फाइल्स क्लोज हो जाएंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और ये देखें, अब यहाँ पे कोई भी टैब हमें शो नहीं हो रहा,
इसका मतलब क्या है कि जितनी इमेजेस मैंने यहाँ पे खोली थी वो सारी की सारी क्लोज हो चुकी हैं। दोबारा से हम ओपन का ऑप्शन पे जाते हैं। ये तो हो गया कि डिफरेंट फाइल्स को आप किस तरह से ला सकते हैं। आप ये देखें, ओपन फाइल पे अगर मैं जाती हूँ और मुझे यहाँ से ये इमेज चाहिए और फिर मुझे ये वाली इमेज चाहिए और ये वाली इमेज चाहिए, ये तीन इमेजेस चाहिए। अब आप देख सकते हैं, अब मैं एक इमेज के ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो ये दोनों इमेजेस साथ में ही सिलेक्ट हो रही हैं। एक को सिलेक्ट मैं एक टाइम में ही कर सकती हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मेरे पास एक और शॉर्टकट है, हम वो अप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास कीबोर्ड पे कंट्रोल की मौजूद है। जब हमने मल्टी फाइल्स चूज़ करनी है जो कि सीक्वेंस में भी नहीं है, मतलब एक तरतीब में नहीं पड़ी हुई, फासले पर हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले एक फ़ाइल को क्लिक करते हैं, यानी कि चूज़ कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम कंट्रोल की को होल्ड कर लेते हैं। कंट्रोल की को होल्ड कर लिया, जैसे मैंने, अब मैं ये यूट्यूब वाली ये वाली इमेज को चूज़ कर लेती हूँ और यहाँ से मैं इस इमेज को चूज़ कर लेती हूँ और इस इमेज को चूज़ कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे ओपन पर क्लिक कर देती हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये देखें, ये वाली इमेज, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये चार इमेजेस मैंने आपके सामने चूज़ की थी जो कि एक तरतीब में नहीं पड़ी हुई थी बल्कि फासले पर थी। तो इनको मतलब आप एक साथ ओपन करना चाहते हो अपने पास विंडो पे, मतलब फोटोशॉप की विंडो पर, तो आप किस तरह से लाओगे अपने वर्क प्लेस पर इसको, आप इसको कंट्रोल की से होल्ड कर कर मल्टी फाइल्स को यहाँ पर ला सकते हैं। अब हमारा दूसरा तरीका ये हो गया कि हमने मल्टी फाइल्स को लेके आना है। अब हम इसको यहाँ से फिर क्लोज कर देते हैं, ये सारी फाइल्स हमारे पास क्लोज हो गई। तीसरा तरीका हमारे पास क्या है, तीसरे तरीके में हम ये करेंगे कि फाइल को ओपन करने के लिए ओपन ऑप्शन में जाते हैं। ये हमारे पास इमेजेस हैं, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मतलब ये तीनों कितारें हैं, मतलब इन तीनों कितारों के अंदर तीनों रोज में जितनी भी पिक्चर्स हैं मुझे सब चाहिए। इनके लिए मैं क्या करूँगी, फर्स्ट पिक्चर के ऊपर मैं क्लिक करूँगी और शिफ्ट होल्ड करके, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, शिफ्ट होल्ड कर मैं लास्ट वाली पिक्चर पर क्लिक करूँगी तो तरतीब के साथ ये सारी तस्वीरें मेरे पास सेलेक्ट हो जाएंगी। और मैं ओपन करूँगी तो ये सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ओपन हो गई हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये देखें। तो ये अभी हमने जो अभी डिस्कस किया है वो हमारे फाइल मेन्यू में से ओपन फाइल का, मतलब आपके पास कोई पहले से इमेज मौजूद है, आप इसको यहाँ पे किन तीन तरीकों से ला सकते हैं, मतलब वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से काम करना है और किस तरह से फाइल्स को ओपन करना है। ठीक है, आप, मैं इसको पहले क्लोज कर लेती हूँ, अपने पास ये क्लोज कर लिया और यहाँ पे मैं कोई सी दो फाइल्स को ओपन कर लेती हूँ, लाइक ये तीन फाइल्स मैंने कोई रैंडमली चूज़ कर ली, ओके कर लिया। अब आप चाहते हैं, दो फाइल्स आई हैं, चले कोई बात नहीं, आप चाहते हैं कि चले सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। आप जब इस इमेज के ऊपर क्लिक करते हो, इस टैब के ऊपर क्लिक करते हो, आपके पास ये इमेज आ रही है, आप बिल्कुल राइट साइड पे देखें, यहाँ पे ये लेयर्स पैनल जो सा हमारे पास है, इसमें आप देख रहे हैं ये लेयर की फॉर्म में हमारे पास ये बैकग्राउंड शो हो रही है। अगर मैं इसके, ये आई जो आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँ, पहले ये इसको अनलॉक कर लेते हैं, ओके किया, अब ये अनलॉक हो चुकी है हमारे पास। अब मैं इसकी आई पे क्लिक कर दूँ तो ये देखें यहाँ से ये इमेज डिसेबल हो गई है, और अगर मैं इस आई को यहाँ से इनेबल कर दूँ तो ये लेयर हमारे पास वापस शो होने लग जाएगी। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरी ये वाली जो इमेज है ये भी मतलब एक लेयर की फॉर्म में यहाँ पर इस इमेज के ऊपर शो हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस इमेज के ऊपर आते हैं। इस इमेज पर आने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे सेलेक्ट ऑप्शन पर, सेलेक्ट ऑप्शन पर जाने के बाद हम ऑल पर क्लिक कर देते हैं। इसके लिए आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल ए, तो बेहतर यही है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी आदत बना लें कि कोई भी कंप्यूटर पर जब आप काम करने बैठे हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के हवाले से, तो उसकी शॉर्टकट कीज़ को आप अपनी फिंगर टिप्स पर रखें ताकि आपका काम जो सा ज़्यादा एफिशिएंटली और अच्छे से हो और आपके वक्त की भी बचत हो। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑल पर भी क्लिक कर सकते हो। ऑल करने से आप ये देख रहे हैं ये डॉटेड लाइन की राउंड आपको एक पट्टी सी नज़र दिखाई दे रही है ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जितना मटेरियल है यानी कि जितनी पिक्चर है हमारी आपको इस वर्क प्लेस पर शो हो रही है तो आपकी ये सिलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, आप इसके ऊपर अब यहाँ पे एडिट ऑप्शन में जाएं, आप यहाँ पे आपके पास देखें कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, और कॉपी की आपको पता है यूनिवर्सली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी, आप कंट्रोल प्लस सी कर दो या यहाँ से कॉपी कर दो तो ये लेयर इस वक्त आपके पास कॉपी हो चुकी है। आप इस टैब पर आओ, इस लेयर पर आप आ गए हो, अब यहाँ पे आकर आप क्या करो, इसको
एडिट ऑप्शन में जाके पेस्ट कर दो। ये देखें, अब आप देख सकते हैं, अब मैं यहाँ से इस टूल को लेती हूँ जिससे मैं इसे मूव कर सकूँ। ये देखें, मैं इसको मूव कर सकती हूँ। अंडो करते हैं, ये इसको हम लॉक कर देते हैं ताकि ये लेयर हमारी मूव ना हो, और ये लेयर को हम ऊपर एडजस्ट करना चाहते हैं शिफ्ट के साथ। मैं इसको रीसाइज करके इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकती हूँ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मतलब अब ये देखें, यहाँ पे पहले हमारे पास एक लेयर शो हो रही थी, अब हमारे पास दो लेयर शो हो रही हैं। ये देख रहे हैं, देख रहे हैं ना। अच्छा, ये देखें, अब मैं यहाँ से, अब देखें, अब ये अभी भी सिलेक्टेड है। अब इसको हमने सिलेक्शन को हटाना है, तो सिलेक्शन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ मेन्यू बार में जाकर यहाँ पे सिलेक्ट में से जाकर हम डी सिलेक्ट का ऑप्शन लेंगे। आप देख सकते हैं ये ऑप्शन पहले डिसेबल था क्योंकि पहले आपने कोई सिलेक्शन ही नहीं की हुई थी। अब ये ऑप्शन इनेबल है और इसकी शॉर्टकट की भी यहाँ पे मौजूद है, कंट्रोल प्लस डी। ठीक है, तो आप कंट्रोल प्लस डी करें या फिर डी सिलेक्ट कर लें इसको, तो आपके पास वो सा है। ये देखें, अब वो जो डॉटेड सी पट्टी दिखाई दे रही थी, आप उसका अराउंड अब वो नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब है अब ये पिक्चर जो सी है वो डी सिलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ वापस आएंगे तो ये चीज़ हमारे पास जो सा है दिखाई दे रही है कि यहाँ पे ये लेयर है और ये इस तरह से है। आप इसको जिस तरह मर्जी आप रिसाइज भी कर सकते हो। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम एक दो पिक्चर्स और अपने पास ओपन कर लेते हैं ताकि आपको अगली जो हमने लेयर्स के हवाले से डिस्कशन करनी है वो आपको वाजिया हो जाए। यहाँ से मैं ओपन कर लेती हूँ ये दो पिक्चर्स मैं अपने पास यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ। यहाँ में अब इसको भी हम उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंट्रोल ए अप्लाई करूँगी मैं। कंट्रोल ए करने के बाद कंट्रोल सी प्रेस करूँगी मैं, और अपनी जो फर्स्ट मेरे पास इमेज थी जहाँ पे मैंने पहले से एक लेयर कॉपी की थी, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। और यहाँ से शिफ्ट को होल्ड करते हुए मैं इसको रिसाइज कर लेती हूँ। ये देखा, मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। फिर उसके बाद हम किसी और इमेज को यहाँ से पकड़ते हैं, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, और यहाँ पे फर्स्ट इमेज पर आकर मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल वी कर देती हूँ। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास कितनी लेयर्स हो गई हैं यहाँ पे। इस टैब को अगर हम क्लिक किया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास 4 लेयर्स अवेलेबल हैं। आप किस लेयर को ऊपर लाना चाहते हो और कौन सी लेयर को जो है नीचे लेके जाना चाहते हो, इसके लिए आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपने गलत कॉपी पेस्ट कर लिया है या आपने गलत सीक्वेंस से ओपन कर लिया अपनी फाइल्स, तो आपको उनको दोबारा से डिलीट करके लाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मामले में आपको परेशान होने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे पास ये, मैं थोड़ा साइज़ बड़ा कर रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके। अब देख रहे हैं आप, सबसे टॉप पे हमारे पास लेयर जो मौजूद है वो ये वाली है, फिर हमारे पास ये वाली लेयर मौजूद है, और फिर ये है, और लास्ट पे वो जो लड़की लैपटॉप लेकर बैठी हुई है वो लेयर हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये वाली लेयर जो सी है, कॉन्टेक्ट अस वाली लेयर जो सी है वो ऊपर आ जाए, तो मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर क्लिक करूँगी। देखिए ये इनेबल हो गया, ये लेयर 2 है हमारी। मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके ऊपर ले जाती हूँ। अब ये देखें, ये लेयर हमारे पास फ्रंट पर आ गई है और वो लेयर हमारे पास बैक पर चली गई है, देख सकते हैं आप। अब अगर आप चाहते हैं कि ये वाली लेयर ऊपर आ जाए, तो आप इसके लिए क्या करें, इसको क्लिक करें, इसकी लेयर यहाँ पे इनेबल हो जाएगी, इस लेयर को आप ड्रैग करके यहाँ ले जाएं। अगर आप बिल्कुल टॉप पे चाहते हैं कि बिल्कुल फ्रंट पे हो ये, बाकी सारे लेयर्स बाकी पीछे आए, तो आप इसको ऊपर ले आए। ये देखें, ठीक है, तो इससे हमारा टाइम भी जो सा है, टाइम की भी बचत हो जाएगी। मतलब हमें दोबारा से इनको डिलीट करके और सिक्वेंस में ओपन करना नहीं पड़ेगा, यहाँ लाना नहीं पड़ेगा। तो हम, हमारे पास जो लेयर्स एक जगह पे मौजूद हैं, हम उन लेयर्स को ऊपर नीचे करने से, मतलब उनकी फ्रंट फ्रंट लाना चाहते हैं हम उसको, उसको बैक पर लेके जाना चाहते हैं, वो सब कुछ आप मैनेज कर सकते हैं बआसानी। ठीक हो गया, अच्छा, यहाँ से आप लेयर्स को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये वाली लेयर नहीं चाहिए, अगर मुझे ये वाली लेयर नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगी, इस लेयर के ऊपर जाकर राइट क्लिक करूँगी और यहाँ पे मेरे पास डिलीट लेयर का ऑप्शन आ रहा है, और मैं इस लेयर के ऊपर, डिलीट लेयर के ऊपर क्लिक करूँगी। तो ये देखें, आपसे वो कंफर्मेशन मांगेगा आप डिलीट करना चाहते हैं, यस कर दें और वो लेयर आपके पास डिलीट हो जाएगी। इस लेयर को भी डिलीट करना चाहते हैं आप, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, डिलीट का बटन प्रेस करें, यस कर दें और ये डिलीट हो जाएगी।
आप ये तो हो गया, आप किसी और टैब से किस तरह से किसी इमेज को कॉपी करके अपनी दूसरी एक लेयर पर ला सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप मतलब इस इमेज को भी मैं मतलब डिलीट कर देती हूँ, डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कॉन्टेक्ट अस वाली ये। अब ये जितना कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है ये इतना पार्ट जो सा है सिर्फ मैं कॉपी कर अपनी फर्स्ट वाली इमेज पर यहाँ पे लेके आना चाहती हूँ, यहाँ पे ये लैपटॉप पर मैं रखना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हम इसको डीसेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये पहले से सिलेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये देखें इस टूल, ये हमारे पास मूव टूल था जिसे अब तक हम अपने इमेजेस वगैरह को मूव कर रहे थे। ये हमारे पास एक टूल यहाँ पे मौजूद है जिसे हम रेक्टेंगुलर मार्क्वी टूल बोलते हैं। आप इसे कोरल ड्रॉ की जुबान में रेक्टेंगुलर शेप टूल भी बोल सकते हैं, यानी सिलेक्ट टूल बोल सकते हैं, जिसे आप रेक्टेंगल शेप में कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको चूज करती हूँ, इसको चूज करने के बाद ये देखें, मैं ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट यहाँ से सिलेक्ट किया। अब मैं सिलेक्ट एडिट से जाकर यहाँ से कॉपी करती हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ फर्स्ट वाले टैब में वापस आती हूँ और यहाँ पे एडिट से पेस्ट कर देती हूँ। पेस्ट कर दिया। अब हम मूव टूल लेंगे अगेन और इसके रीसाइज कर लेते हैं, जितना हमें लैपटॉप पर प्लेस करने के लिए चाहिए हम ये उतना पार्ट यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, हमें मतलब पूरा इमेज लाने की भी जरूरत नहीं है, उसका कोई स्पेसिफिक पार्ट हमें जो चाहिए हम वो ला सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आप सिर्फ रेक्टेंगुलर टूल को यूज़ करते हुए ही नहीं कर सकते। आप ये देखें, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, जैसे कि हमारे पास ये इमेज है, इस इमेज का ये अंदर वाला ये राउंड पार्ट जो सा है ये मुझे चाहिए। सबसे पहले हम ये देखें, सिलेक्शन इसकी हुई हुई है तो इसको पहले हम डीसेलेक्ट कर देते हैं। डीसेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे और हम लेंगे एलिप्टिकल मार्की टूल। एलिप्टिकल मार्क्यूरी टूल हमारे पास इसी तरह से है जैसे एलिप्स टूल होता है, जैसे आप ओवल शेप या राउंड शेप ड्रॉ करते हैं। अब ये सिलेक्शन में हमें राउंड शेप देगा, आप ये देख सकते हैं, जितनी आपकी वो शेप है आप उसके अकॉर्डिंग इसको ड्रा कर लें। ड्रा करने के बाद सेम वही प्रोसीजर एडिट में जाकर आप कॉपी कर लें, कंट्रोल प्लस सी से भी कर सकते हैं। और अपनी फर्स्ट टैब में वापस आने के बाद आप यहाँ पर फिर दोबारा से एडिट मेन्यू में जाकर इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये देखें, हमारे पास वो वॉच का जो पार्ट था इंटरनल, वो हम यहाँ पे उसको उतना हिस्सा एलिप्टिकल टूल से हम उसको कॉपी करके यहाँ ले आए हैं, देख सकते हैं आप, उसको रिसाइज भी कर सकते हैं जी। तो हमने ये सिलेक्शन के बारे में सीख लिया कि हम रेक्टेंगल मार्क टूल को किस तरह से यूज़ करते हैं और उससे कोई स्पेसिफिक पार्ट कैसे अपना कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, किसी और इमेज पर ला सकते हैं बतौर लेयर, मतलब एक लेयर की हैसियत से। और अगर हम एलिप्टिकल मार्क टूल यूज़ करें तो हम उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से उसको कोई स्पेसिफिक पार्ट एलिप्स फॉर्म में, मतलब एक ओवल या राउंड फॉर्म में किस तरह से लेके आ सकते हैं, ठीक हो गया। अब आगे हम इस चीज़ को सबको हम कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, ये सारा हमने क्लोज कर दिया। और हम यहाँ पे अब न्यू फाइल लेंगे। न्यू फाइल जैसे कि मैं पहले भी कहा था, हम डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ ले लेते हैं और यहाँ से इसके पिक्सल्स चूज़ कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। ये हमारे पास एक साइज़ आ गया, इसको थोड़ा अपने पास जूम कर लेते हैं। अभी देखें, हम इस टूल को देखें, अभी मुझे वाइट कलर अगर नहीं चाहिए था अपने इस लेयर का, ठीक है, इसका इस लेयर का हमें कलर चेंज करना है, तो हम किस तरह से चेंज करेंगे। आप ये देखें, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे टूल बार में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 पे आपको ये ग्रेडियंट टूल दिखाई दे रहा होगा। इसको आपने थोड़ा लॉन्ग प्रेस करेंगे, माउस से ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये तीन फर्दर ऑप्शन आएंगे। हम यहाँ से पेंट बकेट टूल ले लें, ठीक है। पेंट बकेट टूल लेने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कर दें। अभी देखें, आपके पास मेहरून कलर यहाँ पे चूज़ हो गया, क्यों, क्योंकि आपके पास फोरग्राउंड कलर यहाँ पे मेहरून चूज़ हुआ हुआ था। आप यहाँ पे अगर इसको मतलब ये ग्रीन सा एक शेड यहाँ पे कर देते हो, ये देखें अब यहाँ पे ये वाला कलर हो गया। यहाँ पे मार्क सॉरी, ये फोरग्राउंड कलर जो हमारे पास होगा वही कलर आपका यहाँ पे इस लेयर पर होगा, ठीक है। आप यहाँ से कलर चेंज करना चाहें आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, देखिए ये कर दिया। वापस आप वाइट करना चाहते हैं, आप वाइट कलर चूज करें और उसको यहाँ पे क्लिक कर दें।
अच्छा ये देखें, अब ये वाइट एरिया हमारे पास है, अगर हम यहाँ पर भी कोई सिलेक्शन लेना चाहें तो हम यहाँ पर भी सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे अगर हमें एक स्पेसिफिक पार्ट जो है रेक्टेंगुलर मार्क टू से हम चूज़ करते हैं और इसके अंदर हम चाहते हैं कि कलर हो, डिफरेंट कलर हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से हम पेन पकड़ लेंगे और यहाँ से जाकर हम उसका कलर कोई और चूज़ करते हैं। यहाँ पर ओके किया और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ये देखें, अब सिर्फ जितना पार्ट मार्क टूल से सेलेक्ट किया था हमने इस लेयर का, उसी में कलर होगा। ठीक हो गया। अच्छा ये देखें, अब हम यहाँ से सेलेक्ट टूल से जाकर इसको डीसेलेक्ट कर देते हैं और ये हमारे पास ये इस तरह से एक लेयर आ गई है, जिसका ये रेक्टेंगुलर मार्क टूल से हमने जितना पार्ट चूज़ किया था वो रेड हो गया। एक और चीज़ अगर हम देखें, अगर मैं चाहती हूँ ये देखें, अब रेक्टेंगल टूल में इस पीछे वाली लेयर, मतलब जो है तो लेयर बेसिकली एक ही, लेकिन ये बैकग्राउंड में जो वाइट पार्ट छोड़ा हुआ है इसके बिल्कुल दरमियान में एक प्रॉपर सेटिंग के साथ मैं इसको लाना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ तो ये एक अलग से शेप नहीं है जिसे मैं मूव कर सकूँ, तो मैं इसको बढ़ाना चाहूँ तो मैं कैसे बढ़ाऊँगी। तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ कि ये देखें, मैं इसको यहाँ से मैं यहाँ चूज़ करती हूँ, सपोज ये इतना था मेरे पास, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखें, हमारे पास वो जो एक इनेबल से हुए होते हैं स्क्वायर से, जिसको हम होल्ड एंड ड्रैग करते हैं और हम रिसाइज कर लेते हैं, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। तो इसको आप रिसाइज करने के लिए क्या करेंगे, ये देखें, आपने मार्क रेक्टेंगुलर मार्क टूल लिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन बार में देखेंगे आप, इसकी फर्दर डिटेल्स आ रही हैं। इस डिटेल के ऊपर अगर हम माउस पॉइंटर लेके जाएं तो यहाँ पे ऑप्शन देगा और ये है अभी दे नहीं रहा, लेकिन ऐड टू सिलेक्शन, आपने सिलेक्शन में कुछ ऐड करना है तो उसके लिए आप इस टूल को मतलब इस ऑप्शन को चूज़ करोगे। जैसे कि मैं इस ऑप्शन को चूज़ करती हूँ और मैं यहाँ पे एक फर्दर एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा कर लेती हूँ। ठीक हो गया। और ये देखें, यहाँ से इस रेक्टेंगल को इस तरह से ड्रा कर लेती हूँ और ये मज़ीद इसको थोड़ा सा इस तरह से अपने पास ड्रा कर लेती हूँ। ठीक हो गया। अब मैं इसके अंदर कलर फिल करूँ अगर, अब देखें हम फिर पेंट पकड़ लेते हैं अपना और इसमें कलर कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो पार्ट मैं वैसे बड़ा करना चाहती थी, लेकिन इसके चूंकि वो वाले ऑप्शन नहीं थे रीसाइज के, तो हम रीसाइज किस तरह से कर सकते हैं, इसके रेक्टेंगुलर मार्क टूल को यूज़ करते हुए हम इसमें ऐड कर सकते हैं सिलेक्शन को, हम इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमें ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, हम इसको जो सा है सिलेक्ट कर लेंगे और ये वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और अब देखें हम इस सिलेक्शन के अंदर कोई और कलर करना चाहें तो हम किस तरह से करेंगे, ये देखें मैं यहाँ पे ये वाला कलर चूज़ करती हूँ और इसको यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसी तरह से आप एलिप्टिकल टूल को यूज़ करते हुए भी ऐड और सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से देखें एलिप्टिकल टूल को यूज़ करती हूँ और यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इसको सब्ट्रैक्ट करती हूँ। ये देखें, ये सब्ट्रैक्ट का हो गया ऑप्शन, ये हो गया सब्ट्रैक्ट का। अब मैं सिलेक्शन के अंदर कलर करना चाहूँ अगर, पेंट बकेट से हम यहाँ पर कलर करते हैं और ये देखें मैंने ब्लू कलर ले लिया और मैं यहाँ पे करती हूँ ये कलर। ये देखें, अब ये पार्ट चूंकि मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया था एलिप्टिकल टूल से, ये वाला पार्ट भी, तो जितनी सिलेक्शन रिमेनिंग हमारे पास रह गई थी उसके अंदर ये कलर हो गया। ठीक हो गया। तो ये था हमारा पेंट बकेट टूल का यूज़, और हमने जो ये हमारे सिलेक्शन टूल थे, एक रेक्टेंगुलर मार्क टूल और एलिप्टिकल मार्क टूल, इससे मार्क्यू या मार्क्यू नहीं बोलेंगे आप, इसको मार्क टूल बोलें वो ज़्यादा बेटर है, या आप मार्क्यू भी बोलने चलें तो चलेगा। ठीक है, और अगर आपको दुश्वारी हो तो आप इसको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन भी बोल सकते हैं और इसको एलिप्स टूल या एलिप्टिकल टूल फॉर शेप, इस तरह से भी आप इसके लिए वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया। आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है ये बेसिक्स आज जो मैंने आपको बताई हैं आपके लिए बहुत मुफीद रही होंगी और आप इनको ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे। और अगर मज़ीद कोई दुश्वारी हुई आपको इन आज के लेक्चर के हवाले से, मतलब आज के टॉपिक के हवाले से, आज की बेसिक्स के हवाले से, तो ज़रूर कमेंट बार में अपना कमेंट करें, अपनी राय दें, फीडबैक दें इस वीडियो से मुतलिक। और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी इस चैनल के लिए जो है इनवाइट करें, उनके साथ इस चैनल का शेयर
लिंक करें इस चैनल का। लिंक जो से आपको हमारे डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन लिंक। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात।